बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे, नया चैप्टर शुरू किया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जब इसका नॉमेनक्लेचर, इसका स्ट्रक्चर, इसमें आइसोमेरिज्म डिस्कस किया, तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एक ही ग्रुप के बताए, कार्बोनिल ग्रुप के। और एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपस में आइसोमेरिज्म भी होता है, इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समानता भी होती है, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो यहाँ पर हम कुछ पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स की कॉमनली सामान्य रूप से इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इनको तैयार कैसे करते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है एल्डिहाइड को और कीटोन्स को, फिर इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग कैसे बनाते हैं, मतलब तैयार करते हैं। कुछ मेथड कॉमन है, कुछ कंपाउंड ऐसे कॉमन है जिनसे कि हम एल्डिहाइड भी बनाते हैं और कीटोन्स भी बनाते हैं। कुछ मेथड कॉमन है, कंपाउंड भी कॉमन है, और कुछ अलग अलग हैं। तो पहले कॉमन वाले पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन कंपाउंड हैं जिनसे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है, फिर एल्डिहाइड वाले पढ़ेंगे, फिर कीटोन्स वाले। दोनों की प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी इससे सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन इनमें काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होती है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण मेथड से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का किसी से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का किसी से जुड़ना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं, ये क्या है, CH3OH मेथेनॉल। CH3OH को IUPAC क्या कहेंगे, मेथेनॉल। और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। K2Cr2O7 और H2SO4 को हम क्या कहते हैं, मिला करके क्रोमिक अम्ल कहते हैं, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक अम्ल या क्रोमिक एसिड कहा जाता है। तो ये क्रोमिक एसिड है या क्रोमिक अम्ल। यहाँ पर ऑक्सीकरण के लिए K2Cr2O7 की जगह KMnO4 भी ले सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। और ये क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण को क्रोमिक अम्ल या क्रोमिक एसिड कहते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करा दे या फिर KMnO4 के, दो में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, HCHO और वाटर। HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनल। एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल, तो इसका ना एक कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनल। इसी प्रकार से दूसरा देखें, एथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराए, इसके बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में वही क्रोमिक अम्ल K2Cr2O7 और H2SO4 क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एस्टेल्डिहाइड एंड वाटर CH3CHO। एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, दो कार्बन है, एथेन, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, अल, क्या नाम होगा, एथेनल। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ये क्या है, मेथिल फेनिल कार्बेनॉल, अल्कोहल में ऑल लगता है, मेथिल फेनिल कार्बेनॉल को ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में,
तो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल डिहाइड। ये क्या है, बेंजिल डिहाइड, और ये एल्कोहल है, ठीक है ना। कौन सा, प्राइमरी। अब यहां पर सभी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। और इसको हम बेंजिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या है ये, बेंजिल एल्कोहल, CCCH5CH2OH। अब OH डायरेक्ट इस बेंजीन से जुड़ जाए तो कहलाएगा फिनॉल, लेकिन यहाँ बीच में CH2 है, तो बेंजीन रिंग से पहले CH2 जुड़ा फिर OH जुड़ा है, तो ये बेंजिल एल्कोहल है। और इसका ऑक्सीडेंट कराते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, तो ये बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, अब ये तो सभी प्राइमरी अल्कोहल थे, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर पहले प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया, अब सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें कार्बन से दो एल्किल लगे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7OH2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, कीटोन, ठीक है ना। तो ये क्या है, टू, ये प्रोपेनॉल है, तीन कार्बन है, प्रोपेन एल्कोहल ऑल, तो प्रोपेनॉल है। इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है, इसमें भी तीन कार्बन है, कीटोन है, तो इसमें भी तीन कार्बन, तो क्या है ये, टू प्रोपेनोन। कीटोन में क्या लगता है, सफिक्स में रूप में ओन लगता है, तो ये है प्रोपेनोन, टू प्रोपेनोन, और वाटर बनता है। और ये C6H5CHOHCH3, तो मेथिल फेनिल कार्बेनॉल, मेथिल फेनिल कार्बेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसमें भी दो चीज़ें लगी, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, और इस कार्बन से लगे हुए हैं, तो इसका K2Cr2O7OH2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल फेनिल कीटोन बनता है, मेथिल फेनिल कीटोन, और जल बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन प्राप्त होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो उससे कीटोन प्राप्त होंगे। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, तो इसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 का मिश्रण, जिसे कि हम क्रोमिक अम्ल कहते हैं, और या फिर इसके इस जगह पर हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसको लेते हैं। तो पेपर में क्रोमिक अम्ल किसे कहते हैं तो आप बता लेंगे, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो ऑक्सीकारक जो करण करते हैं उनके दो कंपाउंडों के नाम याद रखेंगे, क्रोमिक अम्ल और KMnO4। क्रोमिक अम्ल किसे कहते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण को क्रोमिक अम्ल कहते हैं। और इसके बाद याद रखना है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीकरण में अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि एल्डिहाइड किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है और कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, इसको बनाने की जो प्रोसेस है,
एल्डिहाइड और कीटोन की वो नेक्स्ट प्रोसेस, अगली जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।